पारितोष और उसकी पत्नी बबीता दोनों बर्फ में धंसते ही जा रहे थे और दोनों अपनी चारों बच्चियों को बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। रीना, मनीषा, चिक्की, रिक्की, तुम लोग इधर मत आना, इधर बर्फ का दलदल है। लेकिन अपने माता पिता को इस तरह से खुद से बिछड़ता हुआ देखकर चारों मासूम बच्चियां अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और जोर जोर से रो रही थी। सबसे छोटी रिक्की तो रो रो कर बेहोश हो गई थी। मेरी बच्चियों, तुम लोग रिक्की को संभालो, हमारी फिक्र मत करो। धीरे धीरे पारितोष और बबीता बर्फ के दलदल में समाते जा रहे थे। अब उन दोनों के सिर्फ हाथ नजर आ रहे थे। बाबा, माँ, आप लोग हमें छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। लेकिन कहते हैं ना कि होता वही है जो नियति को मंजूर होता है। रीना, मनीषा, चिक्की और रिक्की की आंखों के सामने उनके माता पिता मौत की गोद में सो चुके थे। चारों बच्चियां खूब जोर जोर से रो रही थी। दरअसल पारितोष और बबीता दोनों अपनी बच्चियों को लेकर काम की तलाश में उत्तर प्रदेश से मनाली आए थे। ये लोग मनाली में छुट्टियां मनाने आने वाले सैलानियों की सेवा करते और उससे जो पैसे मिलते उससे इन सब का गुजारा चल रहा था। जनवरी का महीना था और ठंड बहुत जोरों की पड़ रही थी। मनाली में जमकर बर्फबारी हो रही थी। बर्फबारी इतनी ज्यादा थी कि सड़कें चार चार फीट तक बर्फ से ढक गई थी। गाड़ियां, होटलें, दुकानें सब बर्फ से ढक गए थे। रात में पारितोष और बबीता अपनी बच्चियों को लेकर फुटपाथ पर ही सो जाते थे, लेकिन बर्फबारी के कारण ये लोग अब फुटपाथ पर भी नहीं सो पा रहे थे। एक रात, वो देखो उस दुकान के शेड के नीचे काफी जगह है, हम सब वहाँ सो सकते हैं, वहाँ हम पर बर्फ भी नहीं गिरेगी। लेकिन हम वहाँ तक जाएंगे कैसे, पूरी सड़क तो बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई है। तुम लोग यहीं रुको, मैं बर्फ हटाने की कोशिश करता हूँ। इतनी मोटी बर्फ की परत आप कैसे हटाएंगे जी, ये चार चार फीट मोटी परत है, इसे हटाते हटाते तो सुबह हो जाएगी, रहने दीजिए, हमें वहाँ नहीं जाना। लेकिन पारितोष नहीं माना और बर्फ हटाने के लिए बर्फ में निकल पड़ा। पारितोष ने जैसे ही अपना पैर बर्फ में रखा उसका पैर धंसता चला गया। दरअसल वहाँ की सड़क कटी हुई थी और बर्फ से ढक गई थी। पारितोष बर्फ में धंसता ही जा रहा था। बचाओ, बचाओ, मैं बर्फ में धंसता जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। रीना के बाबा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी सहायता करती हूँ। पारितोष को बचाने के लिए बबीता उसके पास जाती है, लेकिन वो भी बर्फ में धंसती चली जाती है। चारों बच्चियां अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को बर्फ में समाते हुए देख रही थी और मदद के लिए गुहार लगा रही थी, लेकिन उस अंधेरी रात में वहाँ उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। दीदी, हमारे मम्मी पापा बर्फ के नीचे दब गए हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। नहीं चिक्की, वहाँ बर्फ का दलदल है, अगर हम वहाँ गए तो हम भी मारे जाएंगे। लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें मम्मी पापा नहीं मिल जाते। चारों बच्चियां वहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगी। रात भर बर्फबारी होती रही, यहाँ तक कि चारों बच्चियां बर्फ से ढक गई, लेकिन वहाँ से हिली भी नहीं। जब सुबह हुई तो प्रशासन के लोग वहाँ आए और वहाँ से बर्फ हटाने लगे। बर्फ में ढके होने के कारण चारों बच्चियों का शरीर सुन्न पड़ गया था और वे सभी बेहोश हो गई थी। प्रशासन के लोगों ने तुरंत उनका इलाज किया और उन्हें होश में लेकर आए। काफी घंटों की मेहनत के बाद जब प्रशासन के लोगों ने सड़क पर से बर्फ हटाई, तब वहाँ पारितोष और बबीता की लाश पड़ी हुई थी। अपने माता पिता को मरा हुआ देखकर चारों बच्चियाँ फूट फूट कर रोने लगी। किसी तरह से भीख मांगकर चारों ने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया। मनीषा दीदी, अब हम लोग अनाथ हो गए, हमारे माता पिता हमें छोड़कर चले गए, अब हम लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे। रिक्की, तू परेशान मत हो, हम सब एक साथ रहेंगे और मिलकर कुछ न कुछ काम कर लेंगे। चारों अनाथ बच्चियों के पास ना तो रहने के लिए घर था और ना पहनने के लिए गर्म कपड़े। चारों भीख मांगकर अपना गुजारा करती थीं। कभी किसी सैलानी ने कुछ खाने को दे दिया तो खा लेती, कई बार तो उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को नहीं मिल पाता था। रीना दीदी, शाम हो गई, लेकिन आज हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, आज किसी सैलानी ने भीख भी नहीं दी, मुझे बहुत भूख लगी है। रिक्की, थोड़ी देर और इंतजार कर ले, शायद हमें कुछ खाने को मिल जाए। तभी चिक्की ने देखा कि सामने कुछ सैलानी खड़े होकर चिप्स खा रहे थे और उन लोगों ने चिप्स के पैकेट और पानी की बोतलें वहीं सड़क पर फेंक दी। चिक्की दौड़ कर गई और फेंके हुए चिप्स के पैकेट और पानी की बोतलों को उठाकर ले आई। रिक्की, ये देख चिप्स का पैकेट, इसमें थोड़ा सा चिप्स अब भी बाकी है, आज हम इसे ही खा लेते हैं और इस बोतल में पानी अभी भी बचा हुआ है। चारों बहनों ने फेंके हुए चिप्स के पैकेट में से चिप्स खा लिया और पानी पीकर वहीं फुटपाथ पर सो गईं। दीदी, हम कब तक फुटपाथ पर सोते रहेंगे,
ऐसे जमीन पर सोने से मुझे बहुत ठंड लगती है। इस ठंड में सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और हम लोग सड़क पर सोते हैं। मुझे भी अपना घर चाहिए। रिकी, हमारे पास भी अपना घर होगा, लेकिन उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। दीदी, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अपने घर में रहना है। अभी बहुत रात हो गई है, चलो सो जाओ, इस बारे में हम लोग कल बात करेंगे। चारों अनाथ बहनों में रीना सबसे बड़ी थी, इसलिए सभी उसकी बात मानते थे। रीना के कहने पर सभी सोने लगे, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि किसी को नींद नहीं आ रही थी। ठंड के मारे रिक्की और चिक्की के दांत किटकिटा रहे थे। दिल दहला देने वाली ठंड में बिना चादर और बिना कंबल के रात गुजारना चारों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। किसी तरह से रात गुजर गई, लेकिन सुबह होते होते रिक्की और चिक्की की तबीयत बहुत खराब हो गई। रीना दीदी, रिक्की और चिक्की को तो तेज बुखार है, अब हम क्या करें? इन दोनों को यहीं आराम करने देते हैं, हम दोनों भीख मांगने चलते हैं। जब भीख में कुछ पैसे मिल जाएंगे तो रिक्की और चिक्की को दवाई लाकर दे देंगे। रिक्की और चिक्की को फुटपाथ पर सोता हुआ छोड़कर रीना और मनीषा भीख मांगने निकल गए। इधर दिन निकल चुका था, लेकिन रिक्की और चिक्की को अभी तक फुटपाथ पर सोता हुआ देखकर एक पुलिस वाला उन्हें डंडे से मारने लगा। डंडे की चोट लगने से दोनों अनाथ बहनें उठ गई। उन्हें देखकर पुलिस वाला बोला, क्यों, ये सोने की जगह है, यहाँ लोग घूमने आते हैं और तुम लोग रास्ते पर सो रहे हो। भागो यहाँ से, नहीं तो डंडे से खूब पिटाई करूंगा तुम लोगों की। चलो। साहब, हम दोनों अनाथ बहनें हैं, हमारा कोई घर नहीं है और हम दोनों को बहुत तेज बुखार भी है, आप हमें यहाँ से मत भगाइए। अच्छा, तो फुटपाथ को बाप की सड़क समझ रखा है क्या तुम लोगों ने? आज फुटपाथ पर सो रहे हो, कल को यहाँ पर अपना कब्जा जमा लोगे। नहीं नहीं, तुम लोगों को यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकने दूंगा, चलो। इतना कहकर उस पुलिस वाले ने रिक्की को एक जोर का डंडा मारा। रिक्की की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर रीना और मनीषा भी वहां दौड़ कर आ गई। उन चारों को देखकर पुलिस वाले ने कहा, अच्छा तो तुम लोगों ने अपना गैंग बना रखा है, अभी बताता हूँ तुम लोगों को। और उस पुलिस वाले ने एक एक करके चारों को डंडे से मारना शुरू किया। मार से बचने के लिए चारों बहनें वहां से भागने लगी, लेकिन पुलिस वाले को तो कहां चैन था। उसने चारों अनाथ बहनों को दौड़ा दौड़ा कर खूब मारा। आखिरकार रिक्की और चिक्की, जो पहले से ही बुखार में थी, मार खाने के कारण बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी। तब कहीं जाकर पुलिस वाले ने उन्हें छोड़ा। आज तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, अगली बार से फुटपाथ पर दिखाई दी तो टांगे तोड़ दूंगा। इतना कहकर पुलिस वाला वहाँ से चला गया। रीना और मनीषा पानी के छींटे मारकर रिक्की और चिक्की को होश में लेकर आईं। रीना दीदी, हम कब तक इस तरह गरीबी में दिन गुजारते रहेंगे और फुटपाथ पर सोते रहेंगे? फुटपाथ पर सोने के कारण रिक्की और चिक्की को बुखार हो गया और हमें पुलिस की मार भी खानी पड़ी। मनीषा, चिंता मत कर, हम जल्द ही अपना घर बनाएंगे, अब हम फुटपाथ पर नहीं सोएंगे, अपने घर में सोएंगे। दीदी, लेकिन हम अपना घर कैसे बनाएंगे? हमारे पास घर बनाने के लिए पैसे तो है ही नहीं। मनीषा, घर बनाने के लिए हमें पैसों की जरूरत भी नहीं। वो देख, सड़कों पर कितनी प्लास्टिक की बोतलें फेंकी हुई हैं। सड़कों पर लोग जो प्लास्टिक की बोतलें फेंक देते हैं ना, हम उन बोतलों को इकट्ठा करेंगे और प्लास्टिक की बोतलों से अपना घर बनाएंगे। ठीक है दीदी, तो हमें ये काम आज से ही शुरू कर देना चाहिए। हाँ मनीषा, हम चारों को मिलकर प्लास्टिक की बोतलें जमा करनी होगी। जितनी जल्दी हम ढेर सारी प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी कर लेंगे, उतनी जल्दी हमारा घर बन जाएगा। दीदी, इस काम में मैं और रिक्की आज से ही आपकी मदद करेंगे। नहीं चिक्की, तुम दोनों की तबीयत अभी खराब है, तुम दोनों अभी मंदिर के पास जाकर बैठ जाओ, वहाँ तुम लोगों को कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और वहीं कुछ बोतलें भी मिल जाएंगी। मैं और मनीषा पूरे शहर में घूम घूम कर प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी करेंगे। ठीक है दीदी। रिक्की और चिक्की पास के मंदिर के बाहर जाकर बैठ गई। उन्हें वहाँ भीख में अच्छे खासे पैसे भी मिल गए और कुछ प्लास्टिक की बोतलें भी मिल गई। इधर रीना और मनीषा घूम घूम कर प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी करने लगी। रिक्की और चिक्की को भीख में मिले पैसों से चारों अनाथ बहनों ने अपने लिए रोटी और सब्जी और रिक्की और चिक्की के लिए दवाइयाँ खरीदी। खाना खाकर चारों फिर से फुटपाथ पर सो गई। दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो पुलिस वाले अंकल फिर से हमें मारने तो नहीं आएंगे ना? नहीं रिक्की, अभी बहुत रात हो गई है, हमें कोई यहाँ से हटाने नहीं आएगा, सुबह होते ही हम अपने आप यहाँ से उठ जाएंगे। अगली सुबह चारों बहनें जल्दी उठ गईं। अब रिक्की और चिक्की रोज भीख मांगा करती और साथ साथ प्लास्टिक की बोतलें भी इकट्ठा करती, तो वहीं रीना और मनीषा पूरे शहर में घूम घूम कर प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करती। मनीषा, हमारे पास काफी सारी प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन अभी कुछ और प्लास्टिक की बोतलें चाहिए, हमें ढाबे और होटलों के पास जाकर प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी करनी होगी।
दीदी हम आज ही सारी बोतलें इकट्ठी कर लेंगे और जल्दी अपना घर भी बना लेंगे। इस तरह चारों अनाथ बहनों ने कड़ी मेहनत करके ढेर सारी प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी कर ली और चारों ने मिलकर प्लास्टिक की बोतलों से अपना घर बना लिया और चारों अनाथ बहनें प्लास्टिक की बोतलों से बने घर में रहने लगी। रीना 7 साल की है और घर संभालने की जिम्मेदारी उसी के कंधे पर है, क्योंकि उसकी माँ नहीं है और उसके पिता की तबीयत खराब है। उसके पिता का नाम ब्रजेश है और उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी है। बेटी, और कितना काम करेगी तू? तुझे देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। बाप होकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पापा, आप ऐसा मत कहिए, आप आराम कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। घर का काम करने के बाद रीना नींबू लेकर बाजार चली गई और बाजार में नींबू बेचने लगी। नींबू ले लीजिए साहब, 5 रुपए में एक, 10 रुपए में 3, ले लीजिए साहब, नींबू ले लीजिए साहब। रीना ऐसे ही हर रोज नींबू बेचने के लिए बाजार जाती है। आज उसके सारे नींबू बिक जाते हैं। ये देखकर रीना खुश हो गई। वो घर लौट गई और अपने लिए और अपने पिता के लिए खाना बनाया और फिर अपना स्कूल बैग लेकर वो स्कूल चली गई। सारा काम खत्म करने के बाद स्कूल पहुंचने में उसे देर हो गई। टीचर ने कहा, क्लास तो कब की शुरू हो गई है, इतनी देर तक तुम कहाँ थी? काम कर रही थी सर। तो फिर काम ही करो जाकर, स्कूल क्यों आई हो, बाहर मुर्गा बनकर खड़ी रहो। रीना को क्लास में घुसने नहीं दिया गया। वो क्लास के बाहर मुर्गा बनकर खड़ी रही और उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। क्लास के बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके एक पैर में जूता भी नहीं था। रीना, तू स्कूल में पढ़ने के लायक ही नहीं है, तेरे पास तो ढंग के कपड़े नहीं है। ये सुनकर रीना को दुख पहुंचा, लेकिन इसमें रीना कर भी क्या सकती है, उसे घर चलाना होता है, सबके नसीब में सुख थोड़ी लिखा है। उधर ब्रजेश की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। वो जोर जोर से खांसने लगा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। ये क्या खून? ये देखकर ब्रजेश का पड़ोसी रमेश वहां आया और ब्रजेश को लेकर अस्पताल चला गया। स्कूल में पूरा दिन मुर्गा बने खड़े रहने के बाद रीना जब घर लौटी तब उसने देखा कि घर खाली है, उसके पिता घर पर नहीं है। तभी गांव की एक औरत ने उससे कहा, अरे तेरे पिता तो अस्पताल में है, जल्दी जा। ये सुनकर रीना ने रोते हुए दौड़ लगाई और कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल जाकर उसने देखा कि ब्रजेश को अस्पताल के बाहर रास्ते में एक चद्दर बिछाकर सुलाया गया है और वो बहुत खांस रहा है। क्या हुआ पापा? आपको क्या हुआ? आप ऐसे रास्ते में क्यों हो? गरीबों को अस्पताल के अंदर जगह कहाँ मिलती है बेटी? रीना अपने पिता को पकड़कर रोने लगी। तभी एक डॉक्टर साहब उसके पास आए। देखो, तुम्हारे पिता की हालत बहुत खराब है, इमीडिएटली कीमोथेरेपी शुरू करना होगा, नहीं तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। कीमोथेरेपी? लेकिन उसमें तो बहुत खर्चा है। हाँ, 5 लाख रुपए लगेंगे। ये सुनकर रीना चौंक गई। 5 लाख रुपए? रीना ने कभी एक साथ 500 रुपए भी नहीं देखे। 5 लाख रुपए वो कहाँ से लाएगी? शाम को वो अपने पिता को लेकर घर चली आई और आज से ही ठंड का मौसम पड़ने वाला था, इसीलिए शाम को जबरदस्त वाली ठंड लगनी शुरू हो गई। लेकिन रीना के पास गर्म कपड़े ही नहीं है, वो ठंड से कांपने लगी। बेटी, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया, एक गर्म कपड़ा तक नहीं खरीद पाया। ऐसा मत कहिए पापा, आपकी तबीयत खराब है, अभी मुझे आपकी सेवा करनी होगी, लेकिन 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? रीना सोच में पड़ गई। अगले दिन रीना ठंड से कांपते हुए स्कूल गई और सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे। क्या रे रीना, तेरे पास एक गर्म कपड़ा भी नहीं है क्या? तू तो भिखारी है भिखारी। रीना ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस चुपचाप रोती रही। टीचर क्लास में आए और सभी से सवाल जवाब करने लगे। रीना से भी उन्होंने एक सवाल पूछा, लेकिन रीना उसका उत्तर नहीं दे पाई। टीचर ने कहा, तू जाकर नींबू बेच, ये पढ़ाई लिखाई तेरे बस की नहीं है। टीचर की इस बात से रीना को बहुत दुख पहुंचा। अभी रीना के कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। यही सब सोचते हुए रीना पैदल घर की ओर चलने लगी और तभी उसके सामने अचानक से एक गाड़ी आ गई। गाड़ी से रीना टकरा गई और उसके सर पर चोट लग गई, उसके सर से खून निकलने लगा। आह, गाड़ी के अंदर से मधु नाम की एक लड़की निकली। ए लड़की, देखकर नहीं चल सकती क्या? क्षमा कीजिए मैडम, गलती हो गई। मधु गाड़ी चलाकर चली गई। मधु असल में शहर की रहने वाली है, वो रीना के स्कूल टीचर की बेटी है और वो एक फैशन डिजाइनर है। वो कुछ दिनों के लिए अपने पिता के पास आई है।
मधु अपने पिता से जाकर एक्सीडेंट के बारे में कहती है। ये सुनकर उसके पिता कहते हैं, अच्छा वो लड़की, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती है, वो कोई काम की नहीं है। छोड़िए पिताजी, मुझे विंटर फैशन का एक नया स्वेटर बनाना है, कुछ नया, लेकिन बन ही नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ट्राई करते रहना चाहिए, पता नहीं कब कौन सा चमत्कार हो जाए। मधु स्वेटर का डिजाइन बनाने में लग गई, लेकिन उसके बॉस को कुछ भी पसंद नहीं आया। उधर रीना 5 लाख रुपए का जुगाड़ करने में लग गई। सुबह सुबह तालाब के पास वाली जमीन से उसने साग निकाला और बाजार में बेचने चली गई। लेकिन साग और नींबू बेचकर कितने ही पैसे मिलेंगे उसे? इन पैसों से तो 2 वक्त का खाना भी नहीं होता। अब मैं क्या करूं? मुझे मेरे पिता को बचाना ही होगा, उनके बिना मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। उधर ब्रजेश की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती रही। हर रोज खून की उल्टी होने लगी और उसके ऊपर से ठंड भी बढ़ने लगी। उन लोगों का घर टूटा फूटा हुआ था, इसलिए घर के अंदर तापमान दिन ब दिन कम होता गया और उसके ऊपर एक दिन भयानक बारिश भी शुरू हो गई। इतनी ठंड और ऊपर से ये बारिश की बूंदें तलवार की तरह चुभने लगी रीना और ब्रजेश को। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? इस दुनिया में गरीब बन के पैदा होना एक श्राप है बेटी। वो दोनों बिस्तर के नीचे जाकर बारिश से बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन इतनी बारिश की वजह से कमरे के अंदर पानी जम गया। वो दोनों पानी में लिपटे हुए सोए रहे, उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। सुबह हुई और बारिश रुक गई। रीना एक बाल्टी लेकर कमरे से पानी हटाने में लग गई। आज स्कूल में एग्जाम भी है, पता नहीं क्या होगा। पानी हटाने के बाद उसने ब्रजेश को खाना खिलाकर सुला दिया और खुद भीगे कपड़े पहनकर स्कूल की ओर निकल गई। लेकिन टीचर ने कहा, नहीं तुम इन भीगे कपड़ों में परीक्षा नहीं दे सकती। लेकिन क्यों सर, मेरे पास तो और कुछ नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता, तुम्हें स्वेटर पहन के आना होगा, नहीं तो तुम्हारी वजह से पूरा क्लास बीमार पड़ जाएगा। टीचर ने रीना को एग्जाम रूम में घुसने नहीं दिया। रीना बाहर खड़ी होकर सोच ही रही थी कि उसे अभी क्या करना चाहिए, तभी उसने देखा कि स्कूल के बाहर एक गेहूं के गोडाउन के पास गेहूं के बहुत सारे बोरे पड़े हुए हैं। अरे मैं इससे तो स्वेटर बना सकती हूँ। ये बोलकर रीना वहाँ गई और गोडाउन से एक कैंची मांग लिया और कैंची से बोरे को काट कर स्वेटर जैसा बना लिया और उसके बाद उसे पहन लिया। सर क्या अब मैं अंदर आ सकती हूँ? टीचर अभी कुछ बोल नहीं पाया, उसने रीना को एग्जाम देने दिया। एग्जाम के बाद रीना घर लौट गई और अपने पिता को भी एक बोरे का स्वेटर पहना दिया। वाह इसमें तो बहुत ही गर्मी होती है, अच्छा है। गरीबों के लिए यही लाखों रुपए का स्वेटर है। उधर टीचर अपने घर गए। मधु अभी तक स्वेटर नहीं बना पाई थी। टीचर ने उससे कहा, तूने अभी तक स्वेटर नहीं बनाया और उधर उस लड़की ने बोरे से एक स्वेटर बना लिया। क्या कहा आपने, बोरे का स्वेटर? हाँ बेटी बोरे का, क्यों? मधु ने तुरंत गाड़ी निकाली और अपने पिता को लेकर रीना के घर चली गई। ये क्या टीचर आप? रीना ने बोरे का स्वेटर पहना हुआ था। उस स्वेटर को देखकर मधु बहुत खुश हो गई। अरे वाह ये तो बड़ा ही यूनिक डिजाइन है, ऐसा ही एक डिजाइन तो मैं ढूंढ रही थी, तूने तो आज कमाल ही कर दिया। मधु ने रीना से उस स्वेटर को लिया और अपने बॉस को दिखाया। वो स्वेटर बॉस को भी बड़ा पसंद आया और कुछ ही दिनों के अंदर बोरे से बने हुए एक मामूली से स्वेटर ने अमीरों का दिल जीत लिया। मधु ने रीना को डिजाइनर फीस दे दी जो पूरे 10 लाख रुपए थी। 10 लाख रुपए? अरे बाप रे, इससे तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा पापा। हाँ, हम लोग अमीर हो गए बेटी। रीना ने ब्रजेश का ट्रीटमेंट करवाया, ब्रजेश बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद से रीना मधु के साथ ही काम करती रही। वो लोग अमीर हो गए और ऐसे ही एक मामूली से बोरे के स्वेटर ने रीना का भाग्य बदल दिया और इसके बाद से वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।